नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे मेरे कलेक्शन के 50 रुपए के नोटों के बारे में। स्वतंत्र भारत में पहली बार 50 रुपए का नोट 1975 में इशू किया गया था। उस समय RBI के गवर्नर S. जगन्नाथन थे। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखा है जहाँ से आपको RBI के गवर्नर्स और उनके टेन्योर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। भारतवर्ष का सबसे पहला 50 रुपये का नोट ये था। ये वॉयलेट ग्रीन कलर का था। ये नोट 1975 से 1982 तक इशू किए जाते रहे, 1975 से 1982 तक। पहला नोट S. जगन्नाथन ने इशू किया था, उनके बाद आने वाले RBI गवर्नरों ने भी यही नोट इशू किया था। नोट के अगले भाग में बाईं तरफ वाटरमार्क था, जहाँ पे अशोक स्तंभ का वाटरमार्क था, और दाहिनी तरफ अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी। सामने के ही ओर विभिन्न भारतीय भाषाओं में 50 रुपये लिखे हुए थे। नोट के पिछले भाग में भारतीय संसद भवन यानी पार्लियामेंट की तस्वीर बनी हुई थी। इस नोट की खासियत यह थी कि किसी गलती के कारण भारतीय संसद भवन के ऊपर जो भारतीय तिरंगे का पोल था, उस पर भारतीय तिरंगा नहीं दर्शाया गया था। पर उस समय इस गलती को सुधार करने की कीमत काफ़ी थी, इसीलिए ऐसे नोट 1982 तक जारी किए जाते रहे। ये नोट मेरे पास अलग अलग गवर्नरों के सिग्नेचर के साथ में मौजूद हैं। S. जगन्नाथन, K.R. पुरी, M. नरसिम्हन और I.G. पटेल के सिग्नेचरों के साथ में मौजूद हैं। हमारा दूसरा 50 रुपये का नोट 1977 से लेकर 2003 तक इशू किया जाता रहा। ये नोट पिछले 50 रुपये के नोट से ज़्यादा कुछ अलग नहीं था, ये सिर्फ कलर में अलग था। सामने की ओर बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह बनी हुई थी, जिस पर अशोक स्तंभ का वाटरमार्क बना हुआ था। दाहिनी तरफ अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी। नोट के पिछले भाग में भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट की तस्वीर बनी हुई थी, और इस नोट में पिछले नोटों में की गई गलती को सुधारा गया था। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, भारतीय संसद के ऊपर तिरंगे को दर्शाया गया था। ये नोट मेरे पास बिमल जालान और RN मल्होत्रा के सिग्नेचर्स के साथ में मौजूद हैं। पिछला दिखाया गया नोट और ये नोट दोनों ही एक ही साइज़ के थे, जो कि 147x73 mm का था। हमारा तीसरा 50 रुपये का नोट 2005 से लेकर 2011 तक इशू किया जाता रहा। यह भी साइज़ में पिछले नोटों जैसा ही 147x73 mm का था। सामने की ओर बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह बनी हुई थी, जिस पर महात्मा गांधी का वाटरमार्क बना हुआ था, और दाहिनी तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी। नोट के पिछले भाग में भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट की तस्वीर बनी हुई थी। हमारा अगला 50 रुपये का नोट 2012 से लेकर 2017 तक इशू किया जाता रहा, और इस नोट का भी डिज़ाइन पिछले नोट जैसा ही था, और इन दोनों नोटों में सिर्फ एक अंतर था, जो कि 2010 में जारी किए गए रूपी सिंबल का था। पुराने नोट जो 2005 से लेकर 2011 तक इशू किया जाता रहा, उन पर रुपी सिंबल नहीं था, और जो 2012 से लेकर 2017 तक इशू किया जाता रहा, उन पर रुपी सिंबल था। नोट दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। नोट के अगले भाग में बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह था, जिस पर महात्मा गांधी का वाटरमार्क था, और दाहिनी तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर थी। और नोट के पिछले भाग में भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट की तस्वीर बनी हुई थी। दोनों ही नोट 147x73 mm के थे। 50 रुपये का सबसे नया नोट 2017 से लेकर अब तक इशू किया जाता रहा है, और ये नोट पिछले जारी किए गए सभी 50 रुपये के नोटों से अलग दिखता था, और साइज़ में भी ये थोड़ा छोटा था। ये नोट साइज़ में 135x66 mm का था। इस नोट पे दाहिने तरफ वाटरमार्क के लिए जगह बना हुआ था, जिस पर महात्मा गांधी का वाटरमार्क बना हुआ था, और बाईं तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी। नोट के पिछले भाग में कर्नाटका के हम्पी में जो स्टोन चैरियट है, उसे दर्शाया गया था। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 50 रुपये लिखे हुए थे। स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर बनी हुई थी, और नोट के जारी किए गए साल को लिखा गया था। वाटरमार्क में महात्मा गांधी का वाटरमार्क और 50 लिखे हुए थे। ये नोट RBI गवर्नर उर्जित पटेल और शक्तिकांत दास के सिग्नेचर्स के साथ में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।